दोस्तों आईपीएल 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि सभी क्रिकेट फैंस आईपीएल 2024 के पहले मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल में जब भी आरसीबी और सीएसके के बीच कोई भी मुकाबला खेला जाता है तो बहुत ही रोमांचक होता है। और ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में आरसीबी और सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम पर खेला जाएगा और ऐसे में पिच और कंडीशन के हिसाब से दोनों टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दे सकती हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है और आईपीएल के पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई और विराट कोहली की आरसीबी आमने सामने होगी। तो सबसे पहले हम चेन्नई सुपर किंग की टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर में नंबर एक पर होंगे डिवान कॉनवे, नंबर दो पर ऋतुराज गायकवाड़ और नंबर तीन पर होंगे डेरियल मिचेल और ये तीनों खिलाड़ी चेन्नई की तरफ से आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि डिवान कॉनवे और डेरियल मिचेल ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल इंजर्ड हैं, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल की शुरुआत होने से पहले ये दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। आपको बता दें कि चेन्नई की तरफ से डिवान कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और टॉप ऑर्डर में सीएसके की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर अब बढ़ते मिडिल ऑर्डर की तरफ तो मिडिल ऑर्डर में चार खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं, जिसमें नंबर चार पर होंगे अजिंक्य रहाणे, नंबर पाँच पर शिवम दुबे, नंबर छह पर रविंद्र जडेजा और नंबर सात पर होंगे सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि चेन्नई के एक और खिलाड़ी शिवम दुबे भी इस समय चोटिल हैं, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल 2024 की शुरुआत होने से पहले शिवम दुबे भी पूरी तरह से फिट हो जाएंगे और आईपीएल में हमें नंबर चार पर शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें कि इन चार बल्लेबाजों में से तीन बल्लेबाज तो स्पिनर को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं और अगर सीएसके को मैच जीतना है तो इनके मिडिल ऑर्डर का चलना बेहद जरूरी है। वहीं पर अब बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में नंबर आठ पर होंगे शार्दुल ठाकुर, नंबर नौ पर दीपक चहर, नंबर दस पर होंगे मथीसा पथिराना और नंबर ग्यारह पर होंगे महेश तिछड़ा। गेंदबाजी में चारों खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि मथीसा पथिराना एक स्पिनर है और चेपॉक के मैदान पर जब भी मैच होगा तो प्लेइंग 11 में मथीसा पथिराना जरूर खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं दीपक चहर की बात करें तो वो भी काफी अच्छे से स्विंग कराते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और महेश तिछड़ा का खेलना तो तय है ही और शार्दुल ठाकुर आपको बल्लेबाजी करके भी दे सकते हैं। हालांकि मुकेश चौधरी के भी चांसेस हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर को उनकी बैटिंग की वजह से चेन्नई की टीम प्रेफरेंस दे सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पहले मैच के लिए यही होगी चेन्नई की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में, तो आरसीबी की टीम भी एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरेगी और आरसीबी की तरफ से हमें नंबर एक पर दिखाई देंगे फाफडू प्लेसेस, जबकि नंबर दो पर होंगे किंग कोहली और ये दोनों आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करेंगे, जबकि नंबर तीन पर मैंने रखा है कैमरून ग्रीन को। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट कैमरून ग्रीन को मिडिल ऑर्डर में ही खिलाना चाहती है और हम यहाँ बात कर रहे हैं आरसीबी के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में और अगर आरसीबी को एक मजबूत प्लेइंग 11 बनानी है तो कैमरून ग्रीन को नंबर तीन पर ही खिलाना होगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन टॉप ऑर्डर में नंबर तीन पर ही अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर चार पर होंगे ग्लेन मैक्सवेल और नंबर पाँच पर रजत पाटीदार और ये दोनों ही खिलाड़ी स्पिनर को बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और चेपॉक के मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मिडिल ऑर्डर में मयंक डागर और दिनेश कार्तिक आरसीबी की कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं और दिनेश कार्तिक का तो आपको पता ही है कि पिछले सीजन में भी उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, ऐसे में आरसीबी की टीम इन पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए अगर आरसीबी की टीम को अच्छा प्रदर्शन करना है तो उनके टॉप ऑर्डर का चलना बेहद जरूरी है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल और पाटीदार संभाल लेंगे। उसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो नंबर आठ पर होंगे करण शर्मा, नंबर नौ पर अलजारी जोसेफ, नंबर दस पर यश दयाल और नंबर ग्यारह पर होंगे मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों आरसीबी की इस प्लेइंग 11 में तीन तेज गेंदबाज होंगे, जबकि करण शर्मा स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। इसके अलावा मयंक डागर भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी स्पिन गेंदबाजी करते हैं और चेपॉक की पिच पर तीन स्पिनर का होना जरूरी है। तो दोस्तों आरसीबी की प्लेइंग 11 भी काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो यहां पर चेन्नई की टीम आरसीबी से मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, जबकि आरसीबी के फिनिशर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि पहला मुकाबला आरसीबी और चेन्नई में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।